हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जो रीडिंग करूँगी वो मंथली रीडिंग होगी, और मैंने इसी मंथली रीडिंग में आज जोडियक साइन लिया है जेमिनी। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों का ये माह कैसा रहेगा जुलाई, और आपके पर्सनल लाइफ को देखेंगे, फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए। जेमिनी साइन के लिए एक जनरल रीडिंग है। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर जो है स्क्रीन पे आ रहा होगा उस पे मुझे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। पूरी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, पूरी रीडिंग आपको मिलेगी बहुत डिटेल, और विदेश में हैं तो भी वहाँ से आप बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे रीडिंग पा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे ज्वाइन कीजिए, ठीक है, फॉलो कीजिए। इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग बिना किसी देरी के, जेमिनी की रीडिंग। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपके पार्टनर की एनर्जीज जुलाई माह में क्या है, ठीक है। जेमिनी की पार्टनर की एनर्जीज़ को बताइए, यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। जेमिनी के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेगी जुलाई माह में। ऑल राइट, वी हैव एनवे, स्ट्रेंथ एंड डोर टू स्पिरिट, और यहाँ पे देखिए ऑल टाइड अप। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी पर्सनल लाइफ से खुश नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई लियो हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं खुश नहीं है, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत दुखी हैं। इनकी जो पर्सनल लाइफ है बिल्कुल भी सही नहीं चल रही, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, हिम्मत और ताकत रख के एक नई शुरुआत चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जुलाई माह में ये अनसेटिस्फाई फील करेंगे और कहीं ना कहीं आपसे एक नई शुरुआत की सोच रहे हैं। तो हो सकता है कि बहुत से लोगों की एक नई शुरुआत हो जाएगी। ये एक्चुअली आपके पार्टनर जो है एक अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, एक बदलाव से गुजर रहे हैं, और थोड़ा सा भगवान में विश्वास करने लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअल चीज़ों में भी ये विश्वास करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो है हिम्मत और ताकत रख के अपनी स्टक एनर्जी से, यानी कि अपने आप को कंट्रोल करना बंद करेंगे और आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या है। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज, इस रिलेशनशिप को जेमिनी कैसे देख रहे हैं, जेमिनी के पार्टनर कैसे देख रहे हैं रिलेशनशिप को जेमिनी के साथ। हायरोफेंट, ओके। फीलिंग्स क्या हैं जेमिनी के पार्टनर की, फीलिंग्स क्या हैं। देखिए, किसी ने मुझे पूछा था कि ये रीडिंग्स आप किस तरह से देखते हैं, नाम के अकॉर्डिंग देखते हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ के। देखिए, ये रीडिंग्स जो है जनरल है, आप किसी भी तरह से देखते हैं, सन मून राइजिंग देख सकते हैं, नाम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिस तरह से भी आपसे मैच करे उस तरह से लीजिएगा, ठीक है। मैं एक्चुअली नाम के अकॉर्डिंग लेती हूँ, लेकिन आप किसी भी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज एक्शन क्या होंगे। फीलिंग्स आ गई, एक्शन हम देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चाहते क्या हैं जेमिनी से, चाहते क्या हैं इनके पार्टनर। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, देखिए पूरी तरह से यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मैसेज है, आपके पार्टनर आपसे रिकनसाइल होना चाहते हैं, दोस्ती को लॉन्ग टर्म तक लेना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक की सोच रहे हैं। क्या है यहाँ पे एनर्जीज, जेमिनी आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं या फिर साइन कुछ भी हो, साइन पे मत जाइएगा, लियो भी दिख रहा है यहाँ पे। देखिए, आपसे ये कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ एक वादा करना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट चाहते हैं। आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, आप इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, आप इनको स्पाउस की तरह दिखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थर्ड पर्सन भी दिखाई दे रहा है, इनके आसपास कोई ना कोई थर्ड पर्सन है, उससे अनसेटिस्फाई हैं, ये आपसे शादी वगैरह करना चाहते हैं, दूसरी मैरिज, सेकेंड मैरिज मुझे किसी की दिखाई दे रही है। तो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं आपके पार्टनर, और क्या चाहते हैं ये डेफिनेटली श्योर हैं। इनका एक्शन क्या होगा, ये वापस आने वाले हैं जुलाई माह में, डेफिनेटली वापस आएंगे, थोड़ा स्लो एनर्जी में है पर आएंगे ज़रूर। यहाँ पे देखिए, आपसे चाहते क्या हैं कि आप इनके लिए कोई एक्शन लें, ये आने वाले हैं पर आप भी इनके लिए कोई एक्शन लें, रिकंसलेशन करें, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपके रीडिंग के लिए पूरी तरह जुलाई में रेडी हैं आपके पास आने के लिए, आपसे शुरुआत करने के लिए। आपकी क्या एनर्जी है चेक कर लेते हैं, जेमिनी आप क्या सोच रहे हैं, एनर्जीज बताइए पार्टनर के लिए जेमिनी की एनर्जीज क्या हैं। ऑल राइट, वी हैव द सन, वाव। स्ट्रैटेजी, मुझे ऐसा लगता है दोनों आप सेम पेज पे हो, यानी कि आप जो चाहते हो आपके पार्टनर भी वही चाहते हैं। एक्चुअली आपकी दोस्ती इनको बहुत बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट लगती है, जेमिनी आप जो है अपने दोस्त की दोस्ती जो है बहुत पसंद करते हैं, आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं, एडवाइज़र आपको लगते हैं। कहीं ना कहीं ये जो है बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग और हैंडसम होंगे जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जेमिनी आपके पास क्लियरिटी, आपकी क्या एनर्जी है, आप जो है क्लियरिटी देने वाले हो, एक रिबर्थ आपके रिलेशनशिप में आएगा, एक सच्चाई सामने आने वाली है, और आप अपने पार्टनर को किसी क्लियर डिसीजन के बारे में बोलने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है आपने प्लानिंग की है और आप इनसे अट्रैक्शन बहुत है, आपका जो है
इनका कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत हैं आपके अंदर, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर प्लानिंग है किसी चीज़ की, उसी बात की आप क्लियरिटी अपने पार्टनर को देना चाहते हो और आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा हैंडसम और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कुछ लोग कुल मिला के मुझे यहाँ पे लग रहा है किसी बात की क्लियरिटी आपको मिलेगी। जुलाई माह में क्या होगा जेमिनी, आप अपने पार्टनर को क्लियरिटी देने वाले हो, किसी बात का रीबर्थ होगा और आप कहीं ना कहीं आपकी एक मीटिंग दिखाई दे रही है उसी की प्लानिंग मुझे आपके दिमाग में चल रही है। एक्चुअली प्लानिंग आपने पहले से की हुई है लेकिन प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना अभी बाकी है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको ऑर्डर में नहीं लग रही ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, आपके जेमिनी की एनर्जीज़ बताइए इनके पार्टनर के लिए। जेमिनी की क्या एनर्जी है अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं जेमिनी? फाइव ऑफ पेंटिकल्स फीलिंग्स क्या है जेमिनी की? नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्शन क्या लेंगे जेमिनी अपने पार्टनर के लिए, एक्शन क्या होंगे आपके? नाइट ऑफ कप्स, वाओ, चाहते क्या है अपने पार्टनर से जेमिनी? हाई प्रिस्टल, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ये देखिए प्रोग्रेस चाहते हैं आप, ठीक है जेमिनी, आप जो क्या है क्या चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, आप चाहते हैं चीज़ें आपकी प्रोग्रेस हो इनसे, आपका लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म हो, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप इनसे मीटिंग करना चाहते हो। मुझे देखिए आपके रिलेशनशिप में आपकी क्या एनर्जी है, आप चुप हो रहे हो, आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको एक दिन छोड़ देंगे, ठीक है इसी बात की क्लियरिटी आप या तो उनको देना चाहते हो या फिर उनसे कुछ पूछना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है सच्चाई आपके सामने आएगी और आप जो है ये कोल्ड बिहेवियर छोड़ दोगे, ठीक है कहीं ना कहीं आप क्लियरिटी दोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके फीलिंग्स में एंजाइटी आ रही है, कहीं ना कहीं आप रात को सो नहीं पाते हो, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप इस एंजाइटी से बाहर आ रहे हो क्योंकि कुछ आपने अपने वहम पाल रखे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके एक्शन क्या हो सकते हैं, आप इनको एक ऑफ़र देने वाले हो डेफिनेटली, या तो आपके पास ऑफ़र आएगा या आप अपने पार्टनर को दिल से कोई ऑफ़र या कोई जैसे कहते हैं ना प्रपोजल देने वाले हो। एक न्यू स्टार्ट आपका जुलाई में हो सकता है, एक अच्छे से और जेन्युइन फीलिंग्स के साथ एक प्रपोजल आप देने वाले हो कहीं ना कहीं। आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि अभी ये रिलेशनशिप आपका सीक्रेट रहे, आप ही चाहते हो अपने पार्टनर से कि जो भी आप कर रहे हो अभी सीक्रेट रहे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना गलत है। थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रांगली दिख रही है, ठीक है तो कहीं ना कहीं आपके जो आप जो जेमिनी इनसे कहीं ना कहीं एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखना चाहते हो, आपके पार्टनर आपके लिए सीक्रेट हैं, दुनिया के लिए सीक्रेट हैं, लेकिन इनसे कहीं ना कहीं आप एक नई शुरुआत करोगे जुलाई में, ठीक है और आपकी चीज़ें प्रोग्रेस होगी। तो ये आपकी लव स्टोरी है, अगर आपको पसंद आती है आपसे रेजोनेट करिए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में क्या हाल है आपके, यानी कि क्या सिचुएशन मिलती है आपसे या नहीं मिलती, ठीक है। चलिए प्रोफेशनल लाइफ को चेक कर लेती हूँ। हेलो जेमिनी, मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को चेक कर रही हूँ, यानी कि आपकी आप अगर स्टूडेंट या कुछ भी करते हैं तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है हम देखने वाले हैं, ठीक है चलिए मेरे साथ बने रहिए। ऑल राइट, जेमिनी की प्रोफेशनल लाइफ जुलाई माह में कैसे रहेगी, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। ऑल राइट, चेक कर लेते हैं क्या है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। फर्स्ट वी हैव हैप्पी हैप्पी मैंडिंग और यिन, ओके और यहाँ पे देखिए हायर पावर। ऑल राइट, बहुत अच्छे नंबर यहाँ पे 26, 52, 2 और 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ओके स्कॉर्पियो, मुझे यहाँ पे सॉरी जेमिनी, हम यहाँ पे देखिए क्या दिख रहे हैं मुझे स्कॉर्पियो, क्यों सुनाई दिया आई डोंट नो, लेकिन बैक टू बैक रीडिंग्स चलती है इसके कारण थोड़ी सी टंग मेरी स्लिप हो जाती है। यहाँ पे देखिए मुझे जेमिनी की रीडिंग कर रहे हैं हम और मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को चेक कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए हायर पावर का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है कोई हायर पावर आपके साथ है। आपकी जो भी सिचुएशन है कहीं ना कहीं आपने लॉसेस फेस कर चुके हैं लेकिन अब जो डायरेक्शन आपने लिया है यानी कि जिस लेन में चल रहे हैं वो परफेक्ट है, कहीं ना कहीं हायर पावर आपके साथ है। तो आपको ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर करना चाहिए अपने एंसेस्टर का, एंजल्स का, जिनको भी आप गुरुदेव मेंटर जो भी हैं आपके उनका साथ लेना चाहिए और उनकी मर्जी से ही चलना चाहिए। यहाँ पे देखिए हैप्पी हैप्पी का कार्ड है, ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं आपने जो पुरानी चीज़ें देखी है या लॉसेस फेस किए हैं तो वो चीज़ें कभी माइंड नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पी हैप्पी का कार्ड आपको ये लगा कि आप अच्छा कर रहे हैं डेफिनेटली, आप जो भी कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा होगा। आज में जिए पास्ट को मत सोचिए,
कहीं ना कहीं आज जो अच्छा होगा, जो आपने वर्क किया है वो कम नहीं है, ठीक है, वो काफ़ी है आपकी सक्सेस के लिए। थोड़ा सा पेशेंस रखें। यहाँ पे देखिए मेंडिंग के कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पहले जो है आपने चमकीली चीज़ों के पीछे भागना शुरू किया था, आप किसी चीज़ को बैडली चाहते थे अपने जीवन में, डेफिनेटली उन चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर दिया जो कि वाकई में लॉन्ग टर्म तक आपको कुछ दे ही नहीं सकती थी, ठीक है। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि आप उन चीज़ों से आप सबक ले चुके हो, कहीं ना कहीं लॉसेस फेस किया है, कहीं ना कहीं कुछ सबक मिला है आपको, अब उन चीज़ों के साथ में भागना बंद कीजिए, अपनी हायर पावर को याद रखिए और कहीं ना कहीं जो आप काम कर रहे हैं वो इनफ है आपके लिए, लॉन्ग टर्म तक की सोचिए। डेफिनेटली बहुत जल्दी, जैसे कहते हैं ना, छलांग मारने की कोशिश मत कीजिए, मेहनत का फल जो है धीरे धीरे मिलता है, तो आप जो लॉन्ग टर्म तक की बात सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, चीज़ें माइंड हो रही है आपकी, कहीं ना कहीं जो बदलाव आ रहा है आप में, आपके काम करने के तरीके में जो बदलाव आ रहा है उसमें 100% दीजिए और कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पे देखिए यिन की एनर्जी, मुझे एक बात और है इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपकी करियर साइड से मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी गुरु की, किसी मेंटर की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप जो कर रहे हैं उसमें किसी और को लीड लेने दीजिए। आप बैक साइड पे बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों को आपके पास आने की ज़रूरत है। आप किसी के मत जाइए, कहीं ना कहीं दूसरों को अपने एक्शन, दूसरे आपके लिए एक्शन लें ये ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आप बैक सीट पे बैठेगा, किसी और को राइड करने दीजिए, ये जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है, यानी कि आप दूसरों को अपना काम करने दीजिए, दूसरों को आने दीजिए, कहीं ना कहीं अपनी तरफ से आप डेफिनेटली इमैच हो रहे हैं, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपको मेंटर गुरु की ज़रूरत है, किसी की मदद करने की ज़रूरत है जो आपको लीड करे, ठीक है। तो अदर्स को लीड करने दीजिए, आप बैक सीट पे बैठिए, आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्या मिल सकता है? यस, किंग ऑफ कप्स, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी मनचाही कोई इच्छा पूरी हो सकती है, आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आ सकते हैं। जहां आपने डिसअपॉइंटमेंट फेस किया था, जहां आपसे गलतियां हुई उससे सबक लेके आप कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको कुछ, ठीक है। स्टूडेंट हैं तो आपकी मनमर्जी का कोई इंस्टीट्यूट आपको मिल सकता है, पढ़ाई में अच्छा कुछ गेन कर सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी मन की इच्छा पूरी हो सकती है। चलिए देखते हैं बिजनेसमैन के लिए क्या है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, तो क्या है? जेमिनाय, वाव, रिकंसलेशन होने वाला है, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। जो काम आप करना चाहते थे या फिर कुछ गेन करना चाहते थे तो उसमें आपकी कोई विश पूरी हो रही है। डेफिनेटली सन, वाव, दोनों मेजर अर्कन है। मुझे ऐसा लगता है क्लियरिटी के साथ आपका एक रीबर्थ हो रहा है। आप जो बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें एक नयापन आएगा, एक नई चीज़ स्टार्ट होगी। कुछ लोगों के लिए नया बिजनेस भी हो सकता है जिसमें आपका कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन या किसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये रिकंसलेशन कहीं ना कहीं आपके साथ, जैसे कहते हैं ना, आपकी विश फुलफिल होगा, आपको डेफिनेटली इसमें सक्सेस मिलेगी 101%। जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपकी विश पूरी हो सकती है, ठीक है। और आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते हैं। कहीं ना कहीं जेमिनाय, जो आप वर्क बिजनेसमैन हैं, तो आपकी बिजनेसमैन में कहीं ना कहीं चार चांद लगेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं, जुलाई माह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बहुत। सबसे बड़ी बात है कि जिसको भी आप साथ लेकर चल रहे हैं, जिसका भी साथ ले रहे हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो जरूर कीजिए, थैंक्स जरूर बोलिए लोगों को, ताकि आपकी जो एनर्जीज़ हैं उनको मेल खाएं, ठीक है। अपने पूर्वजों को, इष्ट देव को ज़रूर याद रखिए। जो भी सक्सेस मिलती है उनको एक बार ज़रूर याद कीजिए। देखिए जॉब वालों के लिए क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स, अगेन रिकंसलेशन। मुझे जॉब वालों की स्थिति यही लग रही है कि आपका भी कहीं ना कहीं एक नया मुकाम पाएंगे, रिकंसलेशन होने वाला है, जॉब में उन्नति मिल सकती है आपको। आप जो अकेले बैठे थे, कहीं ना कहीं आपको जो अच्छी नहीं लग रही थी सर्विस, उसको छोड़कर कहीं ना कहीं आप दूसरी ज्वाइन कर रहे हैं, और वो ज्वाइनिंग जो पीरियड होगा वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा भारी लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप सक्सेस करते हो नज़र आ रहे हो, उसको ज्वाइन करते हो नज़र आ रहे हो। कोई नई चीज़, अगर नया जॉब वगैरह कर रहे हो तो उसमें आपको डेफिनेटली रिकंसलेशन, लोगों का साथ और एक नया मुकाम मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अपने आप को अकेला मत समझिए, दुनिया आपके साथ है, सपोर्ट भी करेगी। बस अपने आप 100% दीजिए और लोगों का ग्रेटिट्यूड या थैंक यू ज़रूर कीजिए। अगर आपको कुछ अचीवमेंट मिलता है तो लोगों को अपनी तरफ से थैंक यू ज़रूर कहना है आपको, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी मैच किया ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।